साथ देखना शुरू कर चुके हैं सत्यम न्यूज। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर जिसमें दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट हुई है। मामला नई बाजार के अब्बास नगर का है, जहां सोनकर व जायसवाल बिरादर में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट की वजह जो है खरीदे गए कपड़े की वापसी को लेकर है। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। जबरदस्त हुई मारपीट में जमकर एक घंटे तक दोनों पक्षों की ओर से ईंट पत्थर चले हैं, जिसमें 3 बाइकें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। पीड़ितों ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी, लेकिन कोतवाली पुलिस की घोर लापरवाही सामने आ रही है। अगर समय रहते पुलिस पहुंच जाती तो इतना बड़ा मामला नहीं होता। हालांकि सूचना पर तहसीलदार भदोही पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया, लेकिन कोतवाली पुलिस की लापरवाही घोर सामने आई है, जिसमें ये मामला काफी बड़ा और आधा दर्जन लोगों को चोटें आई हैं। एहतियात के तौर पर नई बाजार में फोर्स तैनात कर दी गई है। तहसीलदार को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कोतवाली पुलिस पूरी तरह लापरवाह बनी रही। समय रहते अगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच जाती तो ये हादसा होते होते बच जाता, लेकिन पुलिस की लापरवाही के चलते जमकर एक घंटे तक ईंट पत्थर चले और 3 बाइकें क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि धीरज जायसवाल की कपड़े की दुकान है, जहां से अमन सोनकर, संतोष सोनकर वह कपड़ा लेने गए थे, कपड़ा लिए थे और कपड़ा वापसी को लेकर यह विवाद हुआ। दोनों तरफ से देखते ही देखते ईंट पत्थर चलने लगे। एक घंटे तक चले इस ईंट पत्थर में आधा दर्जन लोगों को चोटें आई हैं। हालांकि मारपीट होते ही पीड़ितों ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी, लेकिन कोतवाली पुलिस डायल 100 का बहाना बनाकर उस पर फोन करने के लिए मामले को टालती रही, जिससे यह विवाद बढ़ गया।